अगर साइड से करवा कैमरा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज 10 जून है, जुमतुल मुबारक है और आज दुआ ज़हरा केस के हवाले से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत थी। आज की इस 25 मिनट की समाअत में क्या कुछ हुआ, ये सारी तफसीलात जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि आज ऐसा क्या हुआ कि एक तो हैरान कुन एंट्री के हवाले से बताऊँगा कि आज एंट्री कैसे हुई, पुलिस वाले कैसे लेकर आए, आज कोर्ट का क्या माहौल था। 25 मिनट की समाअत में दुआ को जब जो है वो रोस्टरम पर बुलाया गया तो क्या हाल थी, और इसके अलावा जो है अब दुआ और ज़हीर कहाँ जाएंगे, और ज़हीर का जो वकील है खुरम जो है उसको राय खुरम उसको जो है आज जज साहब ने जो है वो नज़रअंदाज किया है, उसने क्या बात की है जिसको नज़रअंदाज किया गया है, ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। आज ये आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो बहुत ही हैपहैज़र्ड में, बहुत तेज़ी में, बहुत परेशानी में जो पुलिस है उन्होंने जो वहाँ पे शेल्टर होम में दुआ और निमरा इकट्ठे थे तो दुआ को सुबह सवेरे जो है वो शिफ्ट कर दिया था लाहौर, और ये शिफ्ट किया गया था बायर, और हैरान कुन तौर पर जो है इनको टिकट करवाए गए इनके बड़े जल्दी में। कल मैंने चेक किया तो ये आपको पता है जब लाहौर से कराची या कराची से लाहौर बंदा ट्रैवल करता है तो अगर आपको एमरजेंसी में टिकट चाहिए हो तो वो तकरीबन पर हेड जो है टिकट वो तकरीबन 40 to 45,000 का, इट मीन तकरीबन 70 to 80,000 रुपीज़ जो है वो इन टिकट्स के ऊपर खर्च किए गए, और फिर इनको जो है जल्दबाजी में आज यहाँ पे पेश करना था। आज आपको पता है कि जी आज समाअत थी जो ज़हीर की वालदा की तरफ से जो है एक दरख्वास्त दी गई थी कि जी पुलिस मुझे हिरासत कर रही है, तो आज जो है इसकी समाअत थी। आज की समाअत का जो है रात से ही मुझे बता दिया गया था कि रात की इसकी काज लिस्ट जारी हुई थी, और ये 40s की सीरीज़ में ये केस था, 42 या 43 नंबर पे ये केस लगा हुआ था, मेरा ख्याल से था 40s की सीरीज़ में, मुझे उसका फ़िगर याद नहीं है। तो मैंने जब रात को पूछा कि जी इसकी टाइमिंग क्या हो सकती है तो मुझे बताया गया, दोस्तों ने बताया जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वहाँ पर, कि जी ये तकरीबन कोई 10:30-11 बजे के करीब ये जो है होगा केस। तकरीबन 9:22 पर जो है वो दुआ ज़हरा को कोर्ट में लाया गया, और कोर्ट में लाकर जो है उसको जो स्टाफ का रूम होता है, जो जज के स्टाफ का रूम होता है, उसके स्टाफ में के रूम में बिठा दिया गया। उसके बाद जज साहब ने जब बुलाया तो बहुत ही हैरान कुन मनाजिर इसलिए थे कि एक तो जब इनको लाया गया तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नफरी तैनात कर दी गई थी, पिछली पेशी पर पे मैंने आपको बताया था जैसे किसी टेररिस्ट या किसी ऐसे बंदे की पेशी होती है, फिर बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है मीडिया पर भी, और तो बहुत ज़्यादा वकला और जो आम लोग हैं वो भी देखने के लिए आए हुए थे। फिर वो जो हमारे दोस्त अरशद हैं वो बता रहे थे कि जी वहाँ पर कोर्ट के अंदर भी जो गैर मुतलका अफराद हैं वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में जमा हो गए, तो कोर्ट के अंदर माहौल जो है वो बड़ा बहुत ऐसे हो गया कि बिल्कुल तिल धरने की जगह जिसे कहते हैं नहीं थी। फिर उसके बाद जो है कोर्ट की तरफ से गैर मुतलका अफराद को भी बाहर निकाला गया। दुआ को रोस्टम पर दुआ को बुलाया गया तो इस दौरान जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि जी जो कोर्ट का आर्डर है सिंध हाई कोर्ट का वो पेश किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो पेश किया गया तो जज साहब ने वो सिंध हाई कोर्ट का आर्डर देखा, और सिंध हाई कोर्ट के आर्डर को इस पिटीशन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि जी सिंध हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है कि जो दुआ है वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है। तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी अब पुलिस जो है वो दुआ की जो ज़हीर की वालदा है और उसकी जो फैमिली वाले हैं, सिंध हाई कोर्ट के आर्डर को मद्देनज़र रखते हुए आज जो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने कहा कि जो ज़हीर की फैमिली है उसको पुलिस मज़ीद हरासा ना करे। अब उसके साथ साथ जो राय खुरम है उन्होंने इस्तदा की जज साहब से कि जी आप इजाज़त दें
कि जो ज़हीर है और दुआ है ये ज़हीर की माँ के साथ चले जाएँ, आप इस चीज़ की इजाज़त दें। इस पर जज साहब ने जो है राय खुर्रम की इस बात को कोई जवाब नहीं दिया, नज़रअंदाज किया, और उन्होंने ज़ाहरी बात है जो लाहौर जो वो इसी पिटीशन तक जो पिटीशन थी कि जो हिरासा ना किया जाए, इस पिटीशन तक जो है वो महदूद रहे, और उन्होंने मज़ीद कोई भी किसी किस्म की रिमार्क्स या किसी भी किस्म की कोई जजमेंट या ऑर्डर या पास करने की जो है उन्होंने वो नहीं की, और उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए पिटीशन की हद तक जो पिटीशन थी कि हिरासा ना किया जाए, उस पिटीशन की हद तक जो है इस केस को दरख्वास्त को निपटाया, और उन्होंने पुलिस को ये कहा कि जी आप इनको मज़ीद हिरासा ना करें। इसके ऊपर जो अली काज़मी साहब हैं उनकी तरफ से आज फयाज़ रामे के साथ साथ जो जहांगीर बदर साहब के बेटे हैं वो भी आए हुए थे, जो मेन वकील हैं, और वो भी पेश हुए और उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। ये तकरीबन कोई बहुत छोटी सी समात थी, कोई 4 से 5 मिनट की समात थी ये टोटल, और इसमें थोड़े से आर्गूमेंट्स होते हैं ज़ाहिर है, क्योंकि वो दरख्वास्त थी तो दरख्वास्त को ऐसे ही देखा जाता होता है, आर्गूमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो होती है वरना नहीं होती। बहरहाल उन्होंने भी आर्गूमेंट्स किए कि जी हमें क्योंकि ये केस में नॉमिनेटेड है, FIRs में है, तो इसलिए जो है पुलिस, तो जज साहब ने जो है दरख्वास्त निपटा दी। अब दुआ और ज़हीर कहाँ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो इस हवाले से भी मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन ली वो ये है कि इस दरख्वास्त को तो निपटाया गया है, लेकिन क्योंकि ये मामला ट्रायल कोर्ट में अभी चल रहा है, ज़हीर और दुआ जो है वो आज इस कोर्ट में पेशी तक और वापस ले जाने तक, क्योंकि फिर उसके बाद पुलिस उनको साथ अपने वापस भी ले गई, दुआ को जो है वो वीमेन पुलिस लाई थी, और जो ज़हीर है ज़ाहिर है उसको जो पुलिस है पंजाब पुलिस वो लाई थी, तो इस कोर्ट की समाप्त और इसके वापस ले जाने तक और अब से मतलब जब तक ये कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं होती, दुआ और ज़हीर जो है वो पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि आज ये आर्डर हो चुका है और वहाँ सिंध हाई कोर्ट से भी आर्डर है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो मुझे पता चला है वो यही है कि इनसे एफिडेविट या एक बयान ले लिया जाएगा दस्तखत करा के, और उन्हें वो उसमें बाकायदा लिख कर देंगे कि हम जा रहे हैं, लेकिन अगर कभी भी अदालत को ज़रूरत पड़ेगी, ट्रायल कोर्ट को ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जो है अपनी पेशी को यकीनी बनाएंगे, और जहां पर भी ज़रूरत पड़ेगी इस केस में तो दुआ और ज़हीर जो है वो पाबंद होंगे अदालत में पेश होने के। हाँ, अगर वो पेश नहीं होते तो फिर आगे प्रोसेस होता है, और वो ये होता है कि फिर उनके जो है वो नाकाबिले ज़मानत वारंट, गिरफ़्तारी भी उसे कह सकते हैं, वो भी जारी हो सकते होते हैं। बहरहाल ये आज की समाप्त थी जी, आज इसमें बहुत ही हैरानकुन चीज़ें हुई, सारी मैंने आपके सामने रख दी। हाँ, खौफ का शिकार थी दुआ, वो भी मैंने उनसे पूछा कि जी जो हमारे दोस्त रिपोर्टर्स हैं कि दुआ के क्या आज एक्सप्रेशंस थे, क्या चीज़ थी, जब लाया जा रहा था आपने वीडियोस में देखा, और कोर्ट के अंदर भी जब दुआ रोस्ट्रम के ऊपर मौजूद थी तो वाज़े तौर पर जो दोस्त रिपोर्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि जी दुआ वाज़े तौर पर खौफ का शिकार थी, लग रहा था कि वो कन्फ्यूज्ड है, डरी हुई है, उसे किसी चीज़ का खौफ है, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी वाज़े तौर पर दुआ के एक्सप्रेशन से और इन चीज़ों से देखी जा सकती थी। बहरहाल ये सारी तफसीलात थी, अब जाहिर है ज़हीर और दुआ जो है उनको कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, कहीं भी जा सकते हैं। वहाँ पर राय खुर्रम ने कहा कि माँ के साथ जाने, तो कोर्ट ने उसके ऊपर नहीं किया, लेकिन ज़ाहरी बात है ज़हीर जो है वो अपनी फैमिली के साथ ही रहना पसंद करेगा, अपनी माँ वगैरह के साथ, तो मेरा ख़्याल से अब आज के बाद ये लोग जो है वहाँ रहेंगे। दूसरी तरफ अली काज़मी साहब जो है वो वहाँ पर सिंध में भी लड़ रहे हैं इस मामले को लीगली भी, और अब उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला भी किया है कि इस मामले को हर शहर में, पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है इस मामले को लेकर वो जाएंगे, वो इसके ऊपर मज़ीद काम भी कर रहे हैं, मेरी उनसे आज सुबह भी बात हुई है। वो आगे क्या कुछ है, उनका क्या लाहे अमल है, वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि ये केस जो है वो सिर्फ दुआ ज़हरा का नहीं, अब ये पूरे पाकिस्तान की बेटियों का केस बन चुका है, और मैं नहीं चाहता कि दुआ ज़हरा की तरह जो है वो पाकिस्तान की किसी और बेटी के साथ इस तरह का मामला हो, तो इसलिए वो इसको एक बड़े लेवल पर जो है लड़ने का इरादा रखते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और अल्लाह उनको हिम्मत दे कि वो इस चीज़ में जो है, वाकई ये केसेस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के मामलात पूरे पाकिस्तान में होते हैं। बहरहाल जी ये सारी आज की समात का अहवाल था, इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स होंगी इस केस के हवाले से, कुछ और चीज़ें हैं मैंने वो तैयार रखी हुई हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर करूँगा। तो आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक ले इजाज़त दें, अपने दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का आमीन, नासिर इसके खिलाफ साज़िश करने वालों को सुनाबूद करें, आमीन सुम्मा आमीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।